नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता संवाददाता खबर लहरिया अपनी सीनियर रिपोर्टर के साथ आज मैं आई हूँ गुलाबबाड़ी। गुलाबबाड़ी तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और गुलाबबाड़ी का जो नज़ारा होता है जैसे चैत के महीने में, या चैत समझ आ रहा होगा ना कि आपको, अप्रैल मई और जून के महीने में जब तक बारिश नहीं हुई रहती तो यहाँ का बड़ा ही विचित्र वातावरण होता है, क्योंकि सारे पत्ते सूख जाते हैं, फूल पत्तियाँ एकदम हरी भरी नहीं रहती है। लेकिन पहली बारिश शुरू हो गया, उसके बाद का नज़ारा आज हम दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर एकदम से समझ लीजिए कि खिलखिलाता चेहरे जैसे खिल जाता है, जो बारिश होने से होने के बाद का कैसा दृश्य होता है। तो चलिए हमारे साथ आज देखिएगा आप लोग। तो जैसा कि आपने देखा कि ये झाड़ी है, अभी जो है दूसरी बार बारिश हमारे यहाँ हुआ है। पहली बारिश शायद 20 के आसपास हुआ था, दूसरी अभी कल परसों में ही हुआ था। तब उसके बाद का ये जो नज़ारा है बहुत ही खूब सुंदर देखने लायक हो गया, क्योंकि पत्तियाँ जल गई थी, अब हरी भरी हो गई है। और साथ में यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, लोग भी दूर घूमने के लिए यहाँ आते हैं, वो चाहे पारिवारिक हो, आप कह सकते हैं कि जो यूथ है, आप जो रिलेशन तो भी, क्योंकि हर कोई कैमरे में आना नहीं चाहता है। आज हम अपनी खबर ले रहे टीम के साथ में बातें करते हैं, और ये जो बड़ा सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये गुलाबबाड़ी का ये पूरा मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि इसके पहले जो मुस्लिम लीग शासन था, तो ये उन्होंने बनवाया था, और उसी के दौरान यहाँ पर पूरी एक महल जैसा इसकी सजावट नक्काशी की गई है, तो बहुत ही सुंदर है। आप कभी भी यहाँ पर आइए अयोध्या घूमने, आप तो वैसे भी विश्व लेवल पर तो अयोध्या वैसे भी कहते हैं कि इस टाइम विश्व लेवल पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और वैसे में भी ये जो है गुलाबबाड़ी भी घूमने मतलब बहुत से ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। और एक बात और यहाँ बहुत अच्छी, ये निशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे आप अदर स्टेट में या राज्य में जाते हैं घूमने के लिए, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ की शाम 6 बजे के पहले तक, मतलब 6 बजे बंद हो जाता है, आप यहाँ पर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, फूस है, यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। आप कहते पार्टी जैसे होता नहीं कि आप पूरा दिन यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा माइक करते हैं अपनी जो हमारी सहयोगी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ मतलब इन्हें क्या अच्छा लग रहा है और यहाँ की खासियत क्या है। तो आज हम अपनी सीनियर दीदी के साथ कुंकू जी के, क्योंकि मैं तो अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ, यहाँ आते हैं, तो थोड़ा सा आज हम अपनी रिपोर्ट। जी नमस्ते, हमारा नाम है और हम भी खबर लहरिया में आज रिपोर्टर हैं अयोध्या से। दोस्तों आज हम यहाँ पे हैं, ये है गुलाबबाड़ी। गुलाबबाड़ी का अर्थ है मतलब होता है गुलाबों का बगीचा। यहाँ पे एक ऐसा समय था, अभी हम चलेंगे थोड़ा आपको दिखाएंगे, अभी बारिश का समय है तो गुलाब की कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं निकलना, लेकिन अभी गर्मी था तो गुलाब थे, कोई भी पौधे मतलब फूल थे तो सूखे जा रहे थे। ये गुलाबबाड़ी है, यहाँ पे मतलब ये अयोध्या में एक फेमस है मकबरा। यहाँ पे जो सिद्धाउद्दौला थे उनकी पत्नी का यहाँ पे मकबरा है, और इसी के साथ ये गुलाबबाड़ी है, गुलाबों का बगीचा। यहाँ पे गुलाब आपको ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे और भी फूल देख रहे हैं, फूल हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अयोध्या में है, अगर आप अयोध्या कभी आते हैं घूमने, फैमिली के साथ आते हैं, तो आके निःशुल्क है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, अभी यहाँ पे टिकट नहीं लिया जाता है, आप आके यहाँ पे घूम सकते हैं फ्री। सुबह 7 से लेकर ये शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे लोग कपल्स भी आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं, और आराम से बैठने के लिए देखो ये मेज जैसा बना है। यहाँ पे जगह जगह पानी भी, पानी के लिए भी सुविधाएँ हैं, और
आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए भी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब और ऐसा नहीं है, यहाँ पे कपल्स भी आ सकते हैं, को नॉट ये नहीं है कि अलाउड नहीं है। लोग आते हैं, फ्रेंड के लोग, मतलब फ्रेंड सर्किल में लोग आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। आप अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे फैमिली के साथ आए हुए हैं, लोग आए हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं, सोशल मीडिया के क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं, नहीं मतलब इंस्टाग्राम जो चलाते हैं और यूट्यूबर ब्लॉगर होते हैं, वो लोग भी आके यहाँ अपना वीडियो शूट करते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं एक सवाल मेरे बहन ने, अभी जो लोग हैं हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्या ये मैं जानना चाहती हूँ, पहले जैसे कि अभी धीरे धीरे वो सुविधाएं हो गई हैं, जैसे बैठने के लिए नहीं था और यहाँ पे पानी की सुविधाएं उतना नहीं थी, अभी ये सारी सुविधाएं हो गई हैं तो लोगों को ये सारी सुविधाएं लोग पाते हैं ना, तो मतलब और यहाँ पे जो अगल बगल के लोग रहते हैं, जो फैजाबाद सिटी के लोग वहाँ यहाँ मान लो जो लोग होते हैं, क्या कोई जाति विशेष के लोग आते हैं या हर वर्ग के लोग यहाँ पर घूमने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, देश से राज्य से लोग भी आते हैं। बिल्कुल, आप अलग अलग स्टेट के लोग भी आते हैं। और भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा और मेरी सीनियर जो है जो यहाँ अयोध्या से रिपोर्टिंग करती हैं कुमकुम जी, उन्होंने बाखूबी यहाँ के बारे में, यहाँ के कलाकारी के बारे में, नक्काशी के बारे में और जो पर्यटक लोग घूमने आते हैं उसके बारे में बताया। और अभी जो यहाँ का फूल खिलना हुआ और जो ऐसे कि लोग, अभी दोपहर का समय है, एकदम से दोपहर है क्योंकि लगभग 2 बजने वाले हैं। तो उस टाइम पे भी देखिए कि यहाँ पर लोग एकदम से, आपको कहीं खाली नज़र नहीं आएगा, कैमरे के माध्यम से वो दिखाएंगी, हर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है या कोई कुछ कर रहा है या कोई फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर रहा है। तो थोड़ा सा हम फूल की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं कि फूल की क्या दशा है, किस तरह से अभी यहाँ जो गुलाब की जैसे, हाँ जी, तो गुलाब बाड़ी की बात आप लोगों को कैमरे में बने रहिएगा, हम लोग चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ से दूरी है और लगभग ये हमें पता है 100 बीघे के आसपास से ज़्यादा ज़मीन होगा। कितना ज़मीन होगा भैया यहाँ पर जो गुलाब बाड़ी बना हुआ होगा, थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, कहाँ से हैं आप? बता नहीं सकते हम। आप कहाँ से हैं? हम यहीं गए हैं लेकिन हम कहाँ तक हम बता दें। जी, क्या नाम है आपका? तिलकराम हमारा नाम। अच्छा, तो गुलाब बाड़ी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, आप लोग को कैसे पता है? और अरे तो घर के, हाँ दादा बाबा के जमाने की है ये, और क्या, दादा बाबा के जमाने की, हम लोग यही रहते हैं, सुबह से रहते हैं, कहने का मतलब यही है। दोपहर में आप लोग यहाँ आ जाते हैं? अरे बच्चे आए हैं तो हमने कहा हम भी चले आए। अभी यहाँ पर किस तरह की, मतलब अभी शाम फूल पौधे बहुत बढ़िया लगते हैं, उनमें इस समय है नहीं, मतलब कहने का मतलब बहुत बढ़िया था। तो ज्यादातर इस मतलब कौन से महीने में घूमने लायक होता है? अरे यही क्या बताएं, तो जानकारी में थोड़ा है नहीं हमारे। हम चलिए कोई बात नहीं, भैया कम आते हैं, उनको जानकारी से थोड़ा अभाव है और ये इनके फैमिली के लोग आए हैं, उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं और ये बता रहे हैं।
हाँ, तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये बावली जैसे बना हुआ है, आप इसमें छोटी छोटी सी देखिए, अभी दोपहर के टाइम है तो इस पानी कुछ गर्म होगा तो इसलिए ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बच्चे हैं मछलियों के, वो देखो तैर रहे हैं। तो इसमें मच्छियाँ भी पाली गई है, इधर भी है। भैया शायद आपने देखा नहीं होगा, हमने उसको सीधा कर दिया है और कैमरे से हट गया था हमारा। एक्चुअली वहाँ से लोग निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी का पैर भी लग जाता क्योंकि वो जमीन में तो लगाया टिकाया नहीं गया है, ऐसे रख दिया गया है, तो उसको हम खड़ा कर दिए हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको कैमरे के बाद, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर निकल आए हैं, तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे। ये काम हमने किया ज़रूर है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी नहीं ध्यान पड़ा था, जब मैं वहाँ से निकल आई तो उसके बाद मुझे ध्यान हुआ। तो चलिए धन्यवाद आपका, अगर इस तरह से कोई और सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। इस साइड में आप देख सकते हैं कि पानी हरा हो चुका है और अच्छा अच्छा तो बताइए और ये देखिए कि लोग किस तरह से आते जा रहे हैं। आपको देखा, दूसरी टाइम हो गया क्योंकि शाम, हाँ आपको मैं बस थोड़ा सा पीछे आपको गुलाबबाड़ी की तरफ ले चल रही हूँ, क्योंकि भैया मैंने पहले भी बताया था कि जून का महीना है और अभी बारिश स्टार्ट हुआ है। करिएगा, बहुत लेट बारिश यहाँ पर हुआ है अयोध्या में। तो जो गुलाब की बातें हो रही थी, हम गुलाब के पास चल ही रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं गुलाब का बगीचा। गुलाबबाड़ी कहाँ है? गुलाबबाड़ी अयोध्या में है। अयोध्या से आप आएंगे जब रोडवेज आते हैं, रोडवेज से ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है आप, और स्टेशन अगर आप अयोध्या जंक्शन चौक से मतलब अयोध्या जंक्शन आएंगे तो वहाँ से चौक से फिर सीधा आपको गुलाबबाड़ी का रास्ता मिल जाएगा। फिलहाल ये मशहूर चीज़ें हैं, फेमस है, तो आपको हाँ फेमस जगह है, किसी से भी पूछेंगे कि हमें गुलाबबाड़ी जाना है तो वो आपको यहाँ पहुँचा देगा, चाहे वो बस वाला हो या ऑटो वाला हो, कोई भी हो। तो थोड़ा सा हाँ बुधा चल के चले, लेकिन गुलाब तो हाँ, तो जैसे कि उसे आ रहे हैं इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला पौधा है ये गुलाबों का है, और इसमें अनेकों प्रकार की गुलाबें होती थी, काला सफ़ेद पीले नीले हर रंग के गुलाब होते हैं, लेकिन अभी इसका कटाई छटाई होना है। जब बारिश शुरू हो जाता है, बारिश के बाद का जो मौसम शुरू होता है, जैसे ठंडी जब धीरे धीरे ठंडी स्टार्ट होती है, तो गुलाब यहाँ बहुत ही अच्छे रूप से बड़े बड़े गुलाब खिले होते हैं, क्योंकि जब सूखा का टाइम आ जाता है, गर्मी का दिन आ जाता है, तो गुलाब थोड़ा जो है इसमें हाँ सूख जाते हैं, और जो गुलाब के फूल होते हैं उसमें बीज आ जाते हैं, तो उतना खिला हुआ नहीं है, क्योंकि जिसका जो नाम दिया गया है गुलाब है, ऐसा नहीं कि गुलाब है नहीं, लेकिन जो ये टाइम चल रहा है ये सूखे का है, तो इसलिए अभी गुलाब खिले हुए हैं पर छोटे छोटे हैं, जो कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएं, लेकिन दूर है और अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो हम क्योंकि ये देखिए आप, ये तार लगा हुआ है और यहाँ पर वन विभाग वाले मतलब वो उद्यान विभाग वाले भी रहते हैं, तो वो अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग फूल को तोड़ते हैं या पेड़ को नष्ट कर देते हैं, तो अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो ये आपको गुलाब की हम बागान दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे चल के कि देखें अगर कोई और उधर से अगर रास्ता होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आ जाइए, एक बार कैमरा इधर घुमाएंगे इसको। दोस्तों हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं जो ये पूरा क्या कहते हैं गुंबद बना हुआ है। आप जिधर से घूम के जाएंगे एक ही तरीके का आपको मिलेगा, सभी नक्काशी को एक ही जैसा है, और ये पूरा महल जो दरवाजे हैं या जो भी ऊपर का गुम्बद है या पिलर है, वो सब कुछ एक ही तरीके से आपको चौतरफे आप घूम कर देख सकते हैं, और इतनी मोटी दीवारें हैं कि आप पत्थर से बना हुआ है,
इतना अच्छी नक्काशी की गई है कि इसमें आप आवाज़ करते हैं तो गमकता है। हाँ, ये साइड में आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये देखिए, ये पास में मैं पहुँची हूँ, ये गुलाब का बागान है और ये देखिए सारे गुलाबों में फल आ गए, फूल तो ख़त्म हो गए हैं, फल आ गया है। अब इसकी निराई गुड़ाई कटाई होगी, छटनी होगा, तो फिर जब कल्ले नए आएंगे तो अच्छे अच्छे फूल आ जाते हैं तब। और इस साइड में भी अभी बोलेंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि गुलाबी वाला जो गुलाब है वही आपको नज़र आ रहा है इधर इस साइड में, ये गुलाबी गुलाब आपको दिख रहे हैं। बाकी इधर सारे गुलाब के तो बागान है ही, पर अभी उतने अच्छे खिले नहीं जो मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर और भी जो झाड़ है इतने अच्छे से खूबसूरती के साथ बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अब यहाँ पर घूमने लगे। क्योंकि आज के 10 साल पहले अगर कभी आप कोई आपके आसपास के लोग आए होंगे तो देख रहे होंगे कि ये ज़मीन कच्ची हुई थी, ऐसे लोग चलते थे तो मिट्टी रहता था, मिट्टी होता था। लेकिन अब जो है बहुत अच्छा यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है और ध्यान रखा गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, खबर लहरिया चैनल को आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ या खुद भी अपने परिवार में भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।